खोराबार पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने दो ट्रकों में 42 गौवंशियों के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। खोराबार पुलिस के मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि दो ट्रकों में गौवंशियों को काटने के लिए बिहार के छपरा जिले में ले जाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए ट्रक समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में सोनू यादव, राम यादव, कमलेश यादव, कन्हैया साहनी और ब्रिजेश साहनी हैं, जो कि गोरखपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। इस गिरफ्तारी के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, इसमें कोई जेल नहीं है। एसपी साहब के निर्देश अनुसार वो तस्करी का एक गैंग यहाँ पे चल रहा था, कुछ दिनों से सक्रिय था। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई मुखबिर से और इस पर जब काम किया गया तो कल शाम को ऐसी सूचना मिली कि कुछ वाहन NH-28 से ये करजहाँ होते हुए मोतीराम अड्डा की तरफ से निकलने वाले हैं बाहर के, वो यहाँ से बिहार जाने वाले थे। घेराबंदी की गई दोनों तरफ से, इसमें SO खोराबार स्वाट टीम लगी हुई थी, इसमें हम लोग को सफलता प्राप्त हुई। दो ठीक है ट्रक पकड़े गए, कुल 42 ठीक गोवंशीय जानवर इसमें से मिले और इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 5 लोग पकड़े गए हैं अभी, एक व्यक्ति जो कि था वहाँ मौके से स्किप हुआ है और भी कुछ लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है जो वहाँ पे थे। कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले आ रहे थे? अब ये तो गोरखपुर से ही ले आ रहे थे, मतलब अब इसके बारे में भी और जानकारी जमा की जा रही है। वो कसी के लिए जा रहा? बिल्कुल, जी वो कसी के लिए बिहार जा रहा।